बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री आवास, मुख्य सचिव का कार्यालय और राजभवन तक में कोविड 19 के पॉजिटिव पेशेंट सामने आ चुके हैं। आलम यह है कि प्रदेश में हर दिन हजार से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव करवाने की भी तैयारी की जा रही है। ऐसे में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भोजपुरी में एक ट्वीट किया गया है। इसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया है। लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी के ट्वीट को टैग करते हुए अपना ट्वीट भोजपुरी में किया। उन्होंने लिखा, ए नीतीश, लगभग 4 महीना हो गए बंदी के, जनता में त्राहिमाम बा, रोजी रोटी जान माल पर आफत बा, तोहार राज में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम पर बा, 4 महीना में आपन बंगला से 4 बार ही बाहर ना निकले, ई लुक्का छुप्पी से कोरोना ना भागिल, जब सेनापति मैदान छोड़ के भागिल रही त लड़ाई के लड़ाई। लालू प्रसाद ने इसके बाद एक और ट्वीट करते हुए लिखा, 4 महीने में 4 बार भी नीतीश लोगों के बीच में ना गए, बेरोजगारी, भूखमरी, घूसखोरी, अपराध से जनता रोतो आ, नीतीश आपन सुशासनी मुखौटा के रंगाई पुताई में लागल बाडू, बिहार के हाल देखे के हमार दिल रोता। आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने एक ट्वीट किया था जिसमें सीएम नीतीश कुमार के सामने नहीं आने को लेकर तंज कसा था। राबड़ी ने ट्वीट कर लिखा था कि बाढ़, कोरोना, इलाज का अभाव, जल जमाव, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी समेत अनेक समस्याओं से बिहार त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन सूबे के मुखिया की कोई खोज खबर नहीं। इतना टोकने के बाद 100 दिन उपरांत अतिथि भूमिका में अवतरित हुए थे, लेकिन फिर अदृश्य है। संकट की घड़ी में सीएम को लोगों के बीच रहना चाहिए। न्यूज डेस्क।